हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ फार्मिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, कृषि और किसानों की समस्या व समाधान। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी अगली वीडियो पर चलते हैं। आज हम जो वीडियो का टॉपिक लेकर के आए हैं वो है कपास में गुलाबी सुंडी, पिंक बॉलवर्म जिसे हम कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो आतंक है वो पिछले साल देखने के लिए मिला था। इस बार ये अभी तक इसका कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं पाया है, लेकिन कहीं कहीं गुलाबी सुंडी का इक्का दुक्का प्रकोप है। लेकिन अगर हमें सावधान रहना होगा और अपने खेत की लगातार मॉनिटरिंग करते रहना होगा, देखते रहना होगा कि गुलाबी सुंडी कहीं आई तो नहीं। अगर गुलाबी सुंडी आ जाती है तो हम इसका शुरुआती स्टेज में बहुत ही बढ़िया इलाज कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि गुलाबी सुंडी का अभी तक 100% कोई भी दवाई कारगर नहीं है, 100% पूरी तरह से इसका कोई इलाज नहीं है। वही जो पुरानी जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं उससे हम इसके गुलाबी सुंडी से जो हुआ नुकसान है उसको कम कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको 5 या 6 दवाइयाँ बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो कारगर दवाई है वो कौन सी है। इसके लिए जो 5 या 6 दवाइयाँ हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो यूपीएल की प्रोक्लेम नाम से आती है। दूसरी जिसे हम कहेंगे, दूसरी है प्रोफेनोफोर्स, जो सेजेंटा की क्यूराक्रोन नाम से आती है। तीसरी डेनिटोल फेनप्रोपैथ्रिन, जो सुमिटोमो कंपनी की आती है। चौथी दवाई हम बायर की डेसिस डेल्टा मैथ्रीन, इसके अलावा साइपरमैथ्रीन, इथियोन, और अगर हम कॉस्टली थोड़ा सा जाना चाहें इन सब दवाइयों से एक अलग करके हम, क्योंकि कॉस्टली के अंदर जाना चाहें जो दवाइयाँ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है उसके अंदर बायर की फेम फ्लूबेंडामाइड, और आप ट्रेसर भी कर सकते हैं जो स्पिनोसेड है। और इन दोनों ही कीटनाशकों के अलावा एक नया कीटनाशक बाजार के अंदर आया हुआ है जो बायर के वियागो नाम से आया हुआ है। इसके अंदर टेट्रानिलिपोल है, जो बिल्कुल नया तरह का कीटनाशक है, अभी तक यूज नहीं किया गया है और ना ही कीटों के प्रति इसकी रेजिस्टेंस। आप अगर कोस्टली के अंदर जाना चाहिए तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप बायर की वियागो है जो एक बार जरूर करके देखिए। ये 100 ml एक एकड़ में पड़ती है और यानी कि 200 लीटर पानी में 100 ml, उसका खर्चा तकरीबन 1000 रुपए है और रिजल्ट 20 से 25 दिन का। देखो दोस्तों, गुलाबी सुंडी के लिए ऊपर से कोई दवाई काम नहीं करती है, जो पिछले साल हमने करी, साइपर करी या कुछ और भी करी, जो पत्ते पर पड़ती है। और गुलाबी सुंडी का सबसे बड़ी पहचान क्या है, वो सबसे पहले फूल में अंडे देती है और अंडे देने के बाद सबसे पहले फूल को बंद कर देती है, जिससे किसी भी तरह की दवाइयों का असर उस पर नहीं होता और वो अपनी विकास वृद्धि करती रहती है। और फूल बनने के बाद में टिंडा बनता है, टिंडे के अंदर ही अपना बैठे बैठे अपना भोजन जो है, इसका भोजन जो है बिनोड़ा है, बिनोड़ा जो है बिनोड़ा खाएगी, ये पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं खाएगी, सिर्फ इसका एक ही भोजन है बिनोड़ा। हम बात करते आते हैं अपने बायर के वियागो कीटनाशक पर। देखिए, ये एक सिस्टमिक कीटनाशक है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। जो सिस्टमिक कीटनाशक है वही जो है गुलाबी सुंडी पर ज़्यादा काम कर सकता है। ये जो सिस्टमिक कीटनाशक है टेट्रानिलिपोल, ये स्प्रे करते हैं हम, जैसे ही हमने स्प्रे किया 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये पूरे पेड़ के अंदर फैल जाता है। जैसे ही हमने स्प्रे किया 2 से 2 घंटे के बाद अगर बारिश आती है तो कोई बात नहीं, ये पूरे पेड़ के अंदर फैलकर पूरे पेड़ को जहरीला कर देता है। जहरीला करने के बाद में अब देखो, गुलाबी सुंडी ने तो खाना तो है जो नरमे के अंदर, या तो बिनोड़ा ही खाना है या फूल के अंदर बैठी हुई फूल का जो परागकण है, जो फूल के अंदर हल्का हल्का सा बूस है उसे खाएगी तो नरमे को ही। अगर हम उस पूरे नरमे के पौधे को ही जहरीला बना दे तो जैसे ही नरमे के पौधे का कोई भी पार्ट अगर वो खाती है तो वो तुरंत मरेगी। ये एक सिस्टमिक दवाई का सबसे बड़ा फायदा है और इसका रिजल्ट भी लंबा रहता है। कि कंपनी कहती है कि इसका बताती तो 25 दिन तक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि 14-15 दिन तक बायर की वियागो कीटनाशक का काम करती ही है। ये तो है दोस्तों कॉस्टली कीटनाशक। हर एक किसान कॉस्टली कीटनाशक की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि नरमा जो है घाटे का सौदा बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब हम जो कॉस्टली के अलावा जो अब मैंने जो आपके जो साधारण कीटनाशक बताए थे उसमें जो सबसे ज़्यादा कामयाब जो कीटनाशक है, हम उस पर आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो कीटनाशक कामयाब है जो पिछले साल, देखिए दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी फार्मिंग करता हूँ, कॉटन की भी, धान की भी और सरसों गेहूँ की भी। तो मैंने जो पिछले साल जो हमारे एरिए में जो नोटिस किया, जो सबसे ज़्यादा कारगर दवाई थी वो थी इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, जिसे हम यूपीएल की सिजेंटा की जो प्रोक्लेम थी, और इसके साथ प्रोफेनोफोर्स। ये जो दवाई है ये पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका था। आप इन दोनों दवाइयों को मिलाएंगे, प्रोक्लेम का जो सबसे बड़ा मुझे फायदा लगता है ये क्या है कि जैसे ही हमने स्प्रे करी
जैसे ही हमने फूल के अंदर स्प्रे करी, जैसे इस पत्ते के अंदर स्प्रे, यहाँ स्प्रे करी, ये नीचे फैल जाएगा। अगर फूल बंद है, फूल बंद है, उसके अंदर हमने स्प्रे करी तो फूल के निचले भाग तक ये स्प्रे पहुंच जाएगी और जैसे ही जो गुलाबी सुंडी का कीड़ा इसे खाएगा तो वह मर जाएगा। देखिए, एक तो हमने इसका इलाज कर दिया कि जो कीड़ा है उसे मारने की काम कर दिया। दूसरा, प्रोफेनोफोस जो क्यूराक्रिन, वो क्या काम करती है, हम दोनों को इसने मिला दिया। तो क्यूराक्रिन है, प्रोफेनोफोस है, वो अंडा नाशक है दोस्तों। जैसे ही पड़े पूरे पेड़ पर पड़ेगी, जहां जहां गुलाबी सुंडी ने अंडे दिए हुए हैं, उन अंडों को खुर्दबुर्द या खत्म करने का काम जो है प्रोफेनोफोस करेगी। दो तरीके का हमने यहां पर काम कर दिया, प्रोफेनोफोस ने अंडों को खत्म कर दिया और इमामेक्टिन बेंजोएट ने सुंडी को मार दिया। देखिए दोस्तों, मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं कि एक ही टेक्निकल को आप बार बार यूज मत कीजिए, अलग अलग टेक्निकलों को आप यूज करेंगे तो सुंडी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। इसके अलावा दूसरा क्या स्प्रे करें, प्रोफेनोफोस को आपको मिलाना ही मिलाना है। प्रोफेनोफोस को एक अंडा नाशक है जो आप हर स्प्रे में मिला सकते हैं, जिससे हम 7-8 दिन तक सुंडी से नरमा को बचा सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो दवाई है इमामेक्टिन की जगह, वो है डेनिटोल फेनप्रोपैथ्रिन या फिर डेसिस। ये दोनों दवाइयाँ भी काफ़ी कारगर है प्रोफेनोफोस के साथ। इन दोनों ही दवाइयों को जो मैंने बताई है, आप इनका स्प्रे करके देखिए, आपको गुलाबी सुंडी के अंदर रिजल्ट अवश्य मिलेगा। और अपने खेत की किसान भाइयों, निगरानी करते रहे, फूलों को देखते रहे, टिंडों को देखते रहे, अगर आपको ऐसा लगे कि गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा है तो हमें स्प्रे करनी होगी और इसका रिजल्ट काफ़ी आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।